हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू स्वाति साउथ किचन। आज की रेसिपी है मेथी सब्जी, बिल्कुल आपके रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको उसकी टेस्ट आने वाला है। इस रेसिपी इसको आप रोटी या चावल में भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम की मेथी लिया है और इसको मैंने देखे 3 इंच के करीब मैंने दूरी पर इसको कट लगा कर लिया है। आप चाहो तो सिर्फ पत्ते भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ये 250 से 300 ग्राम के करीब होगा। ये तो ये अच्छे से धो लिया और एक छेदा वाले बर्तन में डाल के इसके अच्छे से पानी निकाल देंगे और इसको कट कर लगा देंगे। अच्छे से इस तरह मेथी को कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर हमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर चना दाल लिया है 3 चम्मच। इसको पहले 1-2 घंटा पहले ही भिगो के रख देना है। साथ ही फल्ली को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके इसके छिलके निकाल देना है। साथ ही 1 चम्मच हमें तिल लिए हैं और फल्ली लिए थे 2 चम्मच। और इसको हमें थोड़ा रोस्ट करेंगे चना दाल को। कढ़ाई में थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डाल के और इस चना दाल को डाल के अच्छे से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करके देखिए, अच्छे से इसका रोस्ट होने के बाद इसको मिक्सी जार में निकाल देंगे, एक छोटी सी मिक्सी जार में निकाल देंगे। और उसी बची हुई तेल में हमें लहसुन, हमें 10 कलियों जैसे लहसुन हमें अच्छे से कूट के इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हमें डाल देंगे जो कट किया हुआ मेथी को। और इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, सिर्फ मेथी के अकॉर्डिंग हमें 1/4 लेना है नमक, क्योंकि हमें बाद में भी डालेंगे सब्जियों में। साथ ही यहाँ पर अच्छे से मिला के ढक के रख देंगे। उसके बाद आप ढक्कन निकालेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें पानी छूटा हुआ है। और एक बार अच्छे से बंद कीजिए और इसको मीडियम फ्लेम में ही आपको पकाना है। तब तक वो पक रहा है, हमें देखिए मिक्सी जार में जो चना दाल रोस्ट किए थे वो लिए हैं, साथ ही तिल्ली और फली इस सारी को डाल के हमें थोड़ी सी पानी डालेंगे और इसको फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए इस तरह हमें फाइन पेस्ट रेडी चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक बार चेक करेंगे इस मेथी को। देखिए मेथी भी ना, देखिए अच्छे से ये पानी सोख लिया, साथ ही ये अच्छे से पक चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए। फिर हमें इसकी मसाला रेडी करेंगे। मेथी को इसलिए हमें पकाए कि इसमें जो भी कड़वापन है ये अच्छे से चले जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे 1/4, और इस तरह सूखी मिर्च 3 ठोक डालेंगे। गार्लिक यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके लिए है, 10 कलियाँ है ये, इस तरह बारीक कट करके लिया है। और जैसे हल्की ब्राउन हो जाए तो एक प्याज हमें बारीक कट करके ले लेंगे, उसको भी अच्छे से हमें फ्राई कर देंगे। और कड़ी पत्ता लेंगे 10 से 15। साथ ही इसको इस देखिए इस तरह हल्की सी इसका स्मेल चले जाए तभी हमें टमाटर की पेस्ट रेडी किए थे वो टमाटर पेस्ट भी डाल देंगे। ये 3 टमाटर की पेस्ट है ये। साथ ही ये बिन इस तरह देखिए अच्छे से पानी सोख लिए ये, तभी हमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4। साथ ही मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और धनिया पाउडर लेंगे 1/2 स्पून। इसको अच्छे से देखिए मिक्स कीजिए। जब बस अच्छे से मसाला रोस्ट हो जाए तभी हमें जो मिक्स किए थे हमें जो ग्राइंड किए थे उस पेस्ट को हमें डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और साथ ही ये मिक्स में जो हमें थोड़ा बहुत चिपका था उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छे से देखिए मिला दीजिए, क्योंकि ये थिक हो जाता है, हमें इसमें चना दाल डाले हैं इसीलिए मिलाते रहिए। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और देख के डालना है क्योंकि पहले आप मेथी में भी डाले हैं। उसके बाद इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए और लो टू मीडियम को रखना है आपको, फिर इसको पकाते रहना है। देखिए इसको मिनटों में आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है। साथ ही ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें कटी हुई थोड़ी सी धनिया डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छे से। और इसमें जो हमें फ्राई किए थे वो मेथी को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ी सी पकने देंगे 1 मिनट के लिए। फिर साथ ही यहाँ पर हमें 1 चम्मच जो है गरम मसाला डालेंगे फाइनली यहाँ पर, साथ में हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें मैंने 2 कप के पानी यूज करूँगी। आप जितना ग्रेवी रखेंगे उसके हिसाब से आप पानी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कप कर रही हूँ और ये ग्रेवी में ग्रेवी जैसा ही रहता है, ये रोटी के साथ भी
आता है और चावल के साथ भी बहुत टेस्ट लगने वाला है। इसको थोड़ा सा हमें पकने देंगे, पानी डालने के बाद थोड़ा सा ढक देंगे, लो टू मीडियम में ही पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी परफेक्ट है इस रेसिपी जो है, और ये अच्छे से पक चुका है। मेथी भी हमें पहले अच्छे से पका दिए थे, तो ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे पानी डाल देंगे थोड़ा बहुत बॉयल आ जाए और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका दे, फिर आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी है कि इस रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि मेरा भी मेथी कोई भी नहीं खाते हैं घर में, बट इस सब्जी को बहुत ही इंटरेस्ट से खाए हैं। और ये था आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक अगली नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।